फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस टॉपिक का। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में और कौन से पार्ट से कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, ग्लैंड्स के बारे में, ये ग्लैंड्स कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, यानी हमने एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ा था। अब हम इसमें देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल पार्ट, यानी हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स है फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कैसे करता है, कौन से एंजाइम कौन से फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हम तीन पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। डाइजेशन का स्टार्ट बक्कल कैविटी से होता है, तो हम सबसे पहले बक्कल कैविटी में पढ़ेंगे। तो बक्कल कैविटी के अंदर तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज टूथ, टूथ यानी दांत। जब फूड हम बक्कल कैविटी के अंदर लेते हैं तो फूड को हम चेविंग करते हैं दांतों की सहायता से। चेविंग से क्या होता है, फूड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, यानी टूथ हेल्प्स इन चेविंग ऑफ फूड, हेल्प्स इन चेविंग ऑफ फूड। जब फूड को हम चेविंग करेंगे तो फूड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मास्टिकेशन ऑफ फूड। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर जो बकल कैविटी के अंदर पाया जाता है ये होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवा, यानी सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। आप सबों ने सलाइवा को फील किया होगा, जब कभी भी हमारे सामने भोजन आता है तो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पानी आने लगता है, ये जो पानी आता है यही सलाइवा होता है। तो ये जो पानी आ रहा है इसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता है, इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, तो देखिए सलाइवा के अंदर, सलाइवा कंटेंस सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज लाइसोजोम, लाइसोजोम के बाद वॉटर एंड सम आयंस। देखिए सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, लाइसोजोम पाया जाता है, वॉटर पाया जाता है और इसके साथ कुछ आयंस होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सलाइवा के अंदर सिर्फ वॉटर ही पाए जाते हैं, ये आपको फील होता होगा। सच्चाई यह है कि सलाइवा के अंदर 98% वॉटर होते हैं। जब 98% वॉटर हो तो ऑब्वियस है कि वॉटर ही फील होगा। 2% में ही सलाइवरी अमाइलेज भी आ जाता है, लाइसोजोम भी आ जाता है और कुछ आयंस भी आ जाता है। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर इज टंग, टंग ये क्या करता है, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, यानी टंग हेल्प करता है मिक्सिंग करने में, किसको, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में, यानी इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। अब देखिए जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो गया, सलाइवा के अंदर पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज, लाइसोजोम, वाटर एंड सम आयंस। जब फूड के कांटेक्ट में आ गया ये सलाइवरी एमाइलेज, लाइसोजोम, अब ये क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो देखिए सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, यानी सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च,
तो ये देखिए सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च पे सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करता है, और स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। तो सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है? इट डाइजेस्ट स्टार्च, यानी सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च, और स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज बनाता है। नाउ ये लाइसोजोम, ये देखिए लाइसोजोम, लाइसोजोम का काम होता है फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारना, यानी लाइसोजोम किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। ओके, नाउ ये जो सलाइवरी एमाइलेज है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माइटोज में, और समझते हैं माइटोज क्या है। ये देखिए ये सलाइवरी एमाइलेज पॉलीमर स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर न्यूमरस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं बॉन्ड के साथ, यानी ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक कर रहा है सिंपल सब्सटेंस में, यानी ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये सिंपल शुगर है। और माइटोज के अंदर 2 moles ऑफ ग्लूकोज पाए जाते हैं, यानी स्टार्च के अंदर न्यूमरस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, और इसके अंदर 2 moles के दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या है, न्यूमरस वाला तो कॉम्प्लेक्स हो गया, और 2 ग्लूकोज का यूनिट यानी ये सिंपल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में बदलने का काम कौन कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। अब देखिए जब हम फूड पार्टिकल बकल कैविटी के अंदर लेते हैं तो यहां स्टार्च भी होता है यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, बट बकल कैविटी के अंदर ओनली स्टार्च का डाइजेशन होता है यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का और प्रोटीन का बिल्कुल कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी में होता है। अब बकल कैविटी में जो स्टार्च का डाइजेशन होता है उसमें भी ओनली 32-35% स्टार्च का डाइजेशन होता है, जितने हम स्टार्च ले रहे हैं टोटल स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी के अंदर नहीं होता है, ओनली 30-35% स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी के अंदर होता है, प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, लिपिड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज करता है। सलाइवरी एमाइलेज किसका कंपोनेंट है, सलाइवा का कंपोनेंट है। लाइसोजोम का क्या काम है, बैक्टीरिया को मारना, यानी फूड के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उस बैक्टीरिया को मारने का काम लाइसोजोम करता है। नाउ टंग के सहायता से हम इसको मिक्स किए थे, मिक्स करने से क्या हो गया था, ये सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजोम फूड के हर पार्ट्स को टच किया, हर से कॉन्टेक्ट किया, तो कॉन्टेक्ट होगा ये इंजाइम्स है, इंजाइम्स को वर्क करने के लिए सरफेस एरिया चाहिए। अब फूड पार्टिकल से जब कॉन्टेक्ट होगा तब उसका सरफेस एरिया मिलेगा फूड पार्टिकल पे, ये अच्छे से एक्ट करेगा। तो यानी टंग क्या कर रहा है, टंग मिक्सिंग में हेल्प कर रहा है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर रहा है। अब देखिए जब फूड पार्टिकल और सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो ये थोड़ा सा गीला से स्ट्रक्चर हो जाएगा, और गीला स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, और चिपक के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बोलस कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, बोलस कहते हैं, यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो बकल कैविटी के अंदर होता है उसे हम बोलस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बॉल लाइक होता है, इसमें क्या है, स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, 35% स्टार्च डाइजेस्ट है, इसीलिए हम इसको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर टोटल डाइजेशन नहीं हुआ है, प्रोटीन का बिल्कुल डाइजेशन नहीं हुआ है, फैट का बिल्कुल डाइजेशन नहीं हुआ है, ओनली 35% स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, इसीलिए हम इसको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलस कहेंगे। नाउ इस बोलस को हम क्या करते हैं, निगलते हैं यानी स्वेलिंग करते हैं। अब स्वेलिंग करेंगे तो ये ओसोफेगस में जाएगा,
ऑसोफेगस में किसी भी इंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है, तो इंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होगा, उसके अंदर डाइजेशन भी नहीं होता है। ऑसोफेगस के अंदर फुल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक मोमेंट होता है, ये वेव्स लाइक मोमेंट, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट क्या करता है, फूड पार्टिकल को फॉरवर्ड यानी आगे जाने में सहायता करता है। हम कह रहे हैं फॉरवर्ड यानी आगे जाने में, हम इसको डाउनवर्ड भी कह सकते हैं। डाउनवर्ड क्या, डाउनवर्ड किसके रिस्पेक्ट में, बकल कैविटी, क्योंकि बकल कैविटी अपर है, ऊपर है और नीचे स्टोमक है, तो ये डाउनवर्ड, इसको हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आगे जा रहा है फूड एलिमेंट्री कैनाल के आगे जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है फूड पार्टिकल का, ये किसकी सहायता से होता है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमारे गट के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, ये पेरिस्टाल्सिस वेव लाइक मूवमेंट, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हेल्प करता है फूड को आगे बढ़ाने में। आगे मीन्स बकल कैविटी से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, कौन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नाउ फूड पार्टिकल ओसोफेगस के थ्रू कहां पहुंच गया, स्टोमक में। अब हम देखते हैं स्टोमक में फूड पार्टिकल का डाइजेशन कैसे होता है। बकल कैविटी से बोलस स्टोमक में आ गया। नाउ अब स्टोमक के अंदर इस बोलस का डाइजेशन होगा। बोलस क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। नाउ स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, यानी स्टोमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। अब यदि हम गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट देखें, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन के अलावा HCl एंड म्यूकस। यानी गैस्ट्रिक जूस के यदि कंपोनेंट के बारे में बात करें, तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट होता है पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब हम देखते हैं ये काम क्या करता है। तो देखिए, ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ये HCl का काम होता है इंजाइम्स को एक्टिवेट करना। ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन मींस इंजाइम्स के लास्ट में यदि नोजन लगा रहे तो ये इंजाइम इंडिकेट फॉर्म में, सॉरी इनएक्टिवेट फॉर्म में। अब क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के काम आता है HCl, यानी HCl एक्टिवेट पेप्सिन। यानी ये जो पेप्सिन है तभी वर्क करेगा जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा, और एक्टिवेट करता कौन है, ये HCl। नाउ म्यूकस का काम देखते हैं। अब आप सोचो, जब स्टोमक में HCl आएगा तो HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और HCl जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टोमक को तो जला सकता है, स्टोमक के वॉल को जला सकता है। तो इसके जलने से रोकता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के वॉल को कवर कर लेता है, एक लेयर बना देता है। जब म्यूकस एक लेयर बना देगा स्टोमक के वॉल के आगे, तो क्या होगा, HCl स्टोमक के वॉल से कंटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो हमारा स्टोमक क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बट बचने में सहायता कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, म्यूकस, यानी एक प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग अप स्टोमक। स्टोमक को जलने से कौन बचा रहा है, म्यूकस बचा रहा है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये जो HCl है, HCl का सिक्रेशन कौन करता है, तो HCl का सिक्रेशन करता है पेराइटल सेल।
तो आप सोच रहे हो सर ये पेराइटल सेल एचसीएल का सिक्रेशन करती है, तो पेराइटल सेल भी तो जल सकता है, यानी एचसीएल का जो सिक्रेशन करती है वो सेल भी तो जल सकता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये एचसीएल का सिक्रेशन ये एचसीएल के फॉर्म में नहीं होता है, एच अलग होता है और सीएल अलग होता है, यानी एच प्लस अलग आता है सीएल माइनस अलग आता है। जब दोनों स्टोमेक में आता है तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एचसीएल बनाते हैं। तो एच प्लस अलग है सीएल माइनस अलग है तो कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं आएगा, किसी को जलाएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम वो एसिड नहीं है। जब ये एच प्लस और सीएल माइनस अलग अलग सेल से स्टोमेक में आएगा तो दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद एचसीएल बनेगा जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एचसीएल का काम क्या है, एचसीएल का काम है इनएक्टिव पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करना। और जब एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे स्टमक को जला सकता है, तो जलाने से कौन रोक रहा है, ये म्यूकस। अब हम बात करते हैं कि ये सेल ये जो इन पेप्सिन है एचसीएल है और म्यूकस है ये आता कहां से है स्टोमेक में। तो देखिए स्टोमेक के अंदर तीन सेल का लाइनिंग होता है, तीन डिफरेंट डिफरेंट सेल का लाइनिंग होता है। फर्स्ट सेल होता है पेप्टिक सेल, यानी पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल सिक्रेट करता है पेप्सिन को, यानी पेप्टिक सेल सिक्रेट पेप्सिन। सेकेंड होता है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल सिक्रेट एचसीएल। एंड थर्ड होता है म्यूकसनिक सेल, म्यूकस नेक सेल सेक्रेट म्यूकस। हम देख लिए कि गैस्ट्रिक जूस का जो कंपोनेंट होता है पेप्सिन एचसीएल और म्यूकस, इसका हम फंक्शन भी देख लिए और इसको सेक्रेशन कौन करता है, कौन सेल सेक्रेशन करता है, इस सेल के बारे में भी हम देख लिए। अब हम देखते हैं ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट क्या करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है। तो देखिए ये प्रोटीन प्रोटीन पे एक्ट करता है पेप्सिन और बनाता है पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेन। और पेप्सिन कौन से मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में, तो इसीलिए हम इसको इंडिकेट करते हैं नीचे में पीएच इज इक्वल टू 3, 4 या 2, यानी एसिडिक मीडियम होना चाहिए। और एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम यहां पे पीएच इंडिकेट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम का, बिकॉज ये पेप्सिन वर्क कब करेगा, जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक मीडियम हो, तभी ये एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और बना देगा पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेज। अब क्या होगा, ये अभी भी फुल डाइजेस्टेड फूड नहीं है बिकॉज फैट का डाइजेशन अभी कहीं नहीं हुआ है, स्टार्च ओनली 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो इसको और डाइजेशन अभी होना है क्योंकि हमें चाहिए क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड चाहिए, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तभी इसका एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद सेल के अंदर जाएगा। बड़ा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा सकता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कभी नहीं जा सकता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कभी नहीं जा सकता है, हमें इस फूड को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या अभी इस कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी इसको और डाइजेशन करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे और हम अमाइनो एसिड तक ले जाएंगे बिकॉज सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड है। तो अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल ये भी पार्शियल डाइजेस्टेड है, फुल डाइजेशन हुआ नहीं है, तो ये भी पार्शियल डाइजेस्टेड है, तो ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड स्टोमेक से अब कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, कौन से एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोडक्ट कैसे बनाता है। तो नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमेक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है
उसे हम काइम कहते हैं, यानी काइम कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि आप डायग्राम को देखेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ रहा है, स्टोमेक ओपन हो रहा है। ये देखिए ऊपर स्टोमेक है, स्टोमेक से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, और एक डक्ट आता है। इस डक्ट को कहते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये पार्ट ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम के अंदर देखिए एक तो स्टोमेक ओपन हो रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के अंदर एक स्टोमेक ओपन हो रहा है, स्टोमेक से क्या आ रहा है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड यानी काइम आ रहा है, और एक हो रहा है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या लेके आ रहा है, तो देखिए ये आ रहा है हेपेटिक से यानी लीवर से लेके बाइल, पैनक्रियास से लेके पैनक्रियाटिक जूस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टोमेक से तो फूड आ रहा है और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से बाइल आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, वॉल ये खुद सेक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो जूस का सिक्रेशन, फर्स्ट क्या पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, सेकेंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस का सिक्रेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जूस को क्या कहते हैं हम, इंटेस्टाइनल जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन, और साथ में ये बाइल भी आती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस आएगा, बाइल आएगा, और जो इंटेस्टाइन खुद सेक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस आएगा। अब हम इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इस फूड पार्टिकल के साथ ये तीनों क्या करेगा। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पैनक्रियाटिक जूस देन बाइल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक तो ट्रिप्सिन पाया जाता है, दूसरा लाइपेज पाया जाता है, और तीसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज पाया जाता है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बिकॉज प्रोटीन अभी पूरा पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमें प्रोटीन को फुल्ली डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम ट्रिप्सिन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, यानी लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। देखिए पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर रहा है, फैट को भी कर रहा है, और स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को भी कर रहा है। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स करता है तीनों एंजाइम,
कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एंड फैट को भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। नाउ अब देखते हैं डाइजेस्ट करके क्या बनाता है। तो देखिए प्रोटीन, पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेज, देखिए ये तो प्रोटीन हम ले रहे हैं और स्टोमेक के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, कुछ प्रोटीन का जो भी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, तो डाइजेशन होने के बाद क्या बना है, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेज। ये अभी पूरे डाइजेशन तो हुआ नहीं इसका, अब इसके अंदर और डाइजेशन होना बाकी है, तो ये प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स को भी ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो देखिए इस तीनों पे एक्ट करता है ट्रिप्सिन और बनाता है डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड अभी डाइमर है, यानी इसके अंदर दो अमाइनो एसिड है, उसको भी हमें अलग करना है। तो अब देखेंगे उसको अलग कौन करेगा। नाउ ये जो प्रोसेस है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस ट्रिप्सिन द्वारा, ये अल्केलाइन मीडियम में होता है, यानी बेसिक मीडियम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो इसका पीएच क्या रहेगा, 7 से ज्यादा, यानी अल्केलाइन बेसिक पीएच रहेगा, 7 से कम एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 7 से ज्यादा तो क्या होगा, बेसिक होगा। अब हमें यह भी पढ़ना है कि ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन करता है, बिकॉज हमने स्टोमेक में देखा था वहां एसिडिक मीडियम था, तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था वहां पे HCl, और HCl के सिक्रीशन कौन कर रहा था, पेराइटल से। अब हम यहां देखेंगे कि बेसिक मीडियम और बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा है। आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे बेसिक मीडियम क्यों रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट तो यह है कि एंजाइम एक्टिव होगा ट्रिप्सिन, और दूसरा यह है, सेकेंड रीजन यह है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है स्टोमेक से, तो स्टोमेक के अंदर तो HCl का सिक्रीशन हुआ था, तो इसके अंदर फूड के अंदर HCl भी है, तो ये HCl जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये HCl हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म कर सकता है ना, ऑब्वियसली कर सकता है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां यदि बेसिक मीडियम रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वो एसिड आ रहा है, यहां बेसिक मीडियम रहेगा, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, तो हमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ये हार्म होने से बचा रहा है बेसिक मीडियम, और दूसरा काम कर रहा है ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट भी कर रहा है। नाउ ये तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं लिपिड का डाइजेशन। तो लिपिड का डाइजेशन करता है लाइपेज और बनाता है मोनो एंड डाइग्लिसराइड, मोनो एंड डाइग्लिसराइड। देखिए लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है, बट हमने अभी इसको डाइजेस्ट करके, लिपिड को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं ले गया है, इसका डाइजेशन हुआ है और बनाया मोनो एंड डाइग्लिसराइड। अभी इसका डाइजेशन और होगा बिकॉज सबसे छोटा यूनिट होता है लिपिड का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन का अमाइनो एसिड, स्टार्च का ग्लूकोज। अभी किसी का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का तो डाइपेप्टाइड पे आ रहा है, लिपिड का मोनो एंड डाइग्लिसराइड पे आ रहा है, और थर्ड है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, 30% डाइजेशन स्टार्च का तो बकल कैविटी के अंदर हुआ है, बचे कितने थे 70% फूड, वो 70% फूड का डाइजेशन यहां होता है, तो बचे 70% फूड का डाइजेशन कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये देखिए स्टार्च, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, इसके अंदर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, हमें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, यानी इस दोनों ग्लूकोज को भी अलग करना है, यानी इसका भी अभी डाइजेशन बाकी है। नाउ अब हम देखते हैं बाइल क्या करता है, बाइल के बारे में देखेंगे और इसके बाद देखेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस, यानी वो जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन
खुद सेक्रेट करती है। बाइल का सिंथेसिस लीवर करता है, यानी बाइल ही सिंथेसाइज हुआ है। यानी बाइल का सिंथेसिस लीवर में होता है। सिंथेसिस लीवर में होने के बाद बाइल को स्टोरेज और कंसंट्रेशन करने का काम गॉल ब्लैडर करती है, यानी बाइल का कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज कहां होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। अब ये देखिए, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आके करता क्या? तो देखिए, बाइल एक ग्रेनस लिक्विड होता है, इसका नेचर एल्केलाइन होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम हो रहा था, ये बेसिक मीडियम एक्चुअली बाइल ही प्रोवाइड कर रहा था। यानी बाइल के फंक्शन के बारे में हम देखेंगे तो बाइल क्या कर रहा था? प्रोवाइड बेसिक मीडियम और बेसिक मीडियम क्या कर रहा था? बेसिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करना जरूरी था? बिकॉज ये जो बेसिक मीडियम है ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा किसको? एसिडिक को। एसिडिक फूड जो स्टोमिक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो प्रोवाइड बेसिक मीडियम सो डैट दे कैन न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमिक। यानी बाइल जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टोमिक से उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। अब देखते हैं बाइल का सेकेंड फंक्शन क्या होता है। बाइल इमुलसिफाई फैट, यानी इमुलसिफिकेशन ऑफ फैट ये जो फैट है ये देखिए फैट लिपिड का बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। जब इस पे बाइल आता है तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। लिपिड का बड़ा मॉलिक्यूल्स है और बाइल इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमुलसिफिकेशन। यानी इमुलसिफिकेशन ऑफ फैट में कौन हेल्प कर रहा है? बाइल कर रहा है। इमुलसिफिकेशन क्या होता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, दिस इज कॉल्ड इमुलसिफिकेशन। बाइल के अंदर कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। साल्ट को हम कहते हैं बाइल साल्ट और पिगमेंट होता है विलीरुविन विलीवर्डीन, ये ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन खुद करती है और इंटेस्टाइनल जूस का जो ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं सेकस एंटेरिकस। यानी इंटेस्टाइनल जूस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेकस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट होता है माल्टेज डाइपेप्टिडेज एंड लाइपेज। ये देखिए माल्टेज डाइजेस्ट करता है माल्टोज को। देखिए माल्टोज
हिमाइटोज क्या है? ग्लूकोज के दो यूनिट यानी डाइमर ऑफ ग्लूकोज, इसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे। डाई मीन्स दो और सेक्राइड मीन्स सुगर यानी ग्लूकोज, तो डाइसेक्राइड है। इसको माल्टोज, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है और बनाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ये देखिए, स्टार्च पॉलीमर था, न्यूमरस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर, और ये डाइजेस्ट होते 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 क्या बन गया? ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट सुगर, ये सिंपलेस्ट सुगर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपल अब कुछ नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में आ गया तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ डाइपेप्टिडेज, ये डाइपेप्टिडेज किस पे एक्ट करता है? डाइपेप्टाइड पे। तो डाइपेप्टाइड पे एक्ट करेगा डाइपेप्टिडेज और बनेगा अमाइनो एसिड। ये देखिए, अमाइनो एसिड प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी प्रोटीन बनता किससे है? अमाइनो एसिड के जुड़ने से। तो अमाइनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और प्रोटीन क्या हो गया? एक पॉलीमर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स को सबसे सिंपल फॉर्म में ला दिए। सेकेंड, लाइपेज क्या करता है? मोनो एंड डाइग्लिसराइड पे एक्ट करता है, मोनो एंड डाइग्लिसराइड पे लाइपेज एक्ट करता है और बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमाइनो एसिड। लिपिड, लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स फूड था, और कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या होगा? सिंपलेस्ट फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस जो है, ये इंटेस्टाइनल जूस सबसे लास्ट में एक्ट करता है, और इसके एक्ट होने के बाद फूड क्या हो जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ये जो फूड है सिंपल फॉर्म, अब इसका होगा एब्जॉर्प्शन और जाएगा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हर सेल के अंदर जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.